शर्मा वैष्णव, कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और इतनी खुश आवाज़ मेरी दो ही केस में निकलती है, एक या तो मैं बहुत खुश हूँ या मौसम बहुत ज़्यादा खुश हो। कल मैं रात को ही प्लान बनाकर सोई थी कि मैं सुबह उठकर अपना वॉक पर जाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम कर दी है, बैठे बैठे रहने की आदत हो गई है मुझे। मैंने सोचा था ज़्यादा दूर ना जाऊं, लेकिन थोड़ी दूर ही जाऊंगी। लेकिन सुबह उठकर देखा कि भगवान जी ने इतना हसीन पानी फेरा है मेरे प्लान पर कि बारिश होने लग गई इतनी तेज़, और मैं फटाक से छत पर चली गई बारिश को इन्जॉय करने के लिए। जब भी बारिश होती है ना, तो मुझे मेरे बचपन की एक मेमोरी बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मैं छोटी थी ना और बारिश होती थी, तो बच्चे जिद करते थे कि हमें स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, लेकिन मैं जिद करती थी मुझे जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था भीग भीग कर बारिश में जाने के लिए, अपना छाता क्लासरूम के बाहर ऐसे रखने के लिए, मुझे छाता ले जाने में इतनी एक्साइटमेंट होती थी, ऐसा लगता था क्या जो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी और जिद करके स्कूल जाती थी। तो आज का दिन है थर्सडे और थर्सडे को मेरी सिस्टर का व्रत होता है और भाई ऑफिस जाता है, तो खाने के लिए सिर्फ मम्मी और मैं ही होते हैं। तो इस दिन हम डिसाइड करते हैं कि कुछ लाइट सा ही खा लेते हैं जो ज़्यादा मेहनत ना लगे बनाने में। तो यहाँ हम सिंपल से नमक के परांठे बना रहे हैं, उसे दही और मिर्च के अचार के साथ इंजॉय कर लेंगे बढ़िया तरीके से। मेरे साथ ये पता नहीं क्या दिक्कत है, जब भी मैं वीडियो का वॉइस ओवर दे रही होती हूँ या आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, पता नहीं वीडियो बनाने की इतनी एक्साइटमेंट है, आप लोगों से बात करने की इतनी एक्साइटमेंट है, या पता नहीं क्या ही लोचा है, मेरे शब्द इधर उधर इतने ज़्यादा गिरते हैं। असलियत में इतने नहीं गिरते हैं, लेकिन वीडियोज़ में तो हद से ज़्यादा गिर जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें। दिन में मैं कुछ काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी चुपचाप मेरे से बचकर अपनी मिर्ची का अचार बना रही है। मम्मी को कोई भी ऐसा सीरियस काम करना होता है ना, तो मेरे से दूर जाके चुपचाप करती हैं ताकि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं, और उन्हें डिस्टर्ब करे बिना मेरा दिल लगता नहीं है। तो वो बना रही है मिर्ची का अचार, हमारे मिर्ची का अचार खत्म होने वाला है तो स्टॉक में बनाया जा रहा है। तो पहले मम्मी ने मिर्ची को अच्छे से काट दिया, मैंने सोचा आप लोग वो भी सिखा दूँ थोड़ा सा। उसके बाद सौंफ वगैरह हम ला रखे थे बाजार से, तो उसको पहले अच्छे से रोस्ट कर लिया तवे में, इसके बाद उसको ये सिलबट्टे से पीस लिया, मिक्सी में नहीं पीसते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बारीक पीस जाता है और टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, सिलबट्टे से टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, सरसों के तेल को, और इसमें नमक मिर्च हल्दी वाले मसाले डाल लेंगे। और जो रोस्ट करा हुआ था इसमें था राई, मेथी, जीरा, ये सारी चीज़ जो रोस्ट करी हुई थी वो भी अच्छे से डाल दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो तेल गरम करा था उसको डाल देंगे, और बस अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लो, और इसे एक दो धूप दिखा दो, वही काफ़ी होती है, इसे ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं बनती, और टेस्ट ही सा ये बन जाता है। इसके साथ सारा खाना बड़ा ज़बरदस्त लगता है, और ये सारी रेसिपी भी मैं पूछ पूछ कर बता रही हूँ, मुझे खुद पता ही नहीं है कि क्या क्या डलता है। इसके बाद बारिश होने की वजह से कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन सूखने का उनको मौका ही नहीं मिला, तो मम्मी इनको नीचे कभी ग्रिल में कुर्सियों में फैला फैला के डाल रही थी कि ये जैसे तैसे कल के ऑफिस के लिए रेडी हो जाए। इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सज धज कर तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे एक शॉर्ट बनाना था। मैंने एक बहुत ही वायरल नेपाली सॉन्ग सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, वो क्या गाना था, चीसो चीसो मौसम छे थक जवानी, तो इसकी रील मैंने देखी थी और बहुत ज्यादा मतलब हर जगह चल रही थी, तो मेरा भी मन कर रहा था कि डांस कर लूँ, और डांस तो मेरे को अच्छा लगता है ये करना। तो बस मैं सोच रही थी लुक कैसे अलग क्रिएट करूँ, तो ऊपर मैंने अपनी वाइट कलर की शर्ट पहन ली थी एक, और नीचे ये खुला सा प्लाजो टाइप का था वो पहन लिया, दीदी की ये हैंकी ले ली और इसको ऐसे ही सर पर बांध दिया थोड़े डिफरेंट लुक के लिए, और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ अपने शॉर्ट के लिए। शॉर्ट शायद आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा तो मैं यहाँ साइड में लगा भी दूँगी। मतलब ये तुक्के से अच्छा बन भी गया, मैंने ऐसे लुक सोचा नहीं था और सोचा नहीं था ऐसे रील बनाऊंगी। ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा की रील्स और आया, तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, फिर मैंने सोचा क्या पहन सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आया और ये बहुत अच्छा तुक्का लग भी गया। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रही थी और आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं किस सॉन्ग में करने वाली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ बनाने। बाय बाय। यहाँ पर मैंने शूट कर लिया था, पंखा बंद करके कर रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग गई थी, फिर मैंने फटाक से पानी पिया और अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। इसके बाद
बाद शाम को मम्मी बेटी हम दोनों निकल गए फिर से एक नए मिशन के लिए। जो हमने पौधा लगाया था, एक उसका बकेट टूट गया था तो उसमें से पानी निकले जा रहा था, तो पौधे को ढंग से पानी नहीं मिल रहा था, तो हम नया बकेट लगा रहे थे। तो मम्मी पहले मिट्टी को अच्छे से कूट रही थी, पतला पतला कर रही थी। इसके बाद हमने ये बाल्टी ली और इसमें इसको डाल दिया और उस पौधे को अब इसमें अच्छे से लगा देंगे। मेरे को इस पौधे का नाम समझ नहीं आ रहा था तो मैंने मम्मी से पूछा, तो वो बता रही थी कि इसमें बहुत मोटे मोटे रेड कलर के फ्लावर आते हैं, तो अगर आप ये पौधे को जानते होंगे तो समझ गए होंगे कि ये कौन सा पौधा लगा रही हूँ। तो इसके बाद अच्छे से हम इसको लगाकर इसके ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी डाल देंगे ताकि इसकी जड़ें टाइट हो जाए। बस फिर ये लग गया, फिर हमने इसमें पानी दे दिया और कहा तुम खुशी खुशी और बढ़ो, अब खिल के खेलो और शाम को मौसम देखो कितना औसम हो रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और 15 अगस्त आने वाला है तो बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ रही थी आसपास, छोटे छोटे बच्चे आई बो कर रहे थे। फिर शाम को मैं और मम्मी चले गए थे थर्सडे मार्केट, हमारे वहाँ 3 दिन मार्केट लगती है, मंगलवार थर्सडे और संडे। तो आज लगी हुई थी तो मैंने मम्मी से बड़ी जिद करके कहा कि मुझे ले जाओ। मम्मी को ना मार्केट ले जाना अच्छा लगता है ना मुझे जाना अच्छा लगता है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाई कि हमारे वहाँ मार्केट लगती है और कैसी लगती है। वैसे तो नॉर्मली लगती है जैसे सबके वहाँ लगती होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा दिखाई देती हूँ। मुझे मार्केट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, धक्के मुक्के लगे रहते हैं, तो क्या ही फ़ायदा, इसलिए मम्मी ही चली जाती है। लेकिन वहाँ जाकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई क्योंकि सच में सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। जिन सब्जियों को पूछा भी नहीं जाता था ना उनकी भी रेट इतने हाई हो रहे हैं, आपको क्या ही बताऊं। छोड़ो, आपको पता ही होगा तो क्या ही बताना। ये हमारे पूरे दिन का सबसे फेवरेट और रिचुअल समझ लो आप, डेली का काम है। हम सारे मिलकर थोड़ी देर माता रानी के कीर्तन करते हैं, 2 या 3 कीर्तन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई कहीं पर भी हो इस समय आ जाता है और हम माता रानी के आगे सारे एक साथ बैठते हैं और माता रानी के कीर्तन करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, अच्छे से उनकी आरती लेते हैं, बाहर जो तुलसी मैया लगाई है उन पर दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और यहीं पर ही खत्म होता है हमारे पूजा का रूटीन और यहीं पर ही अब ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।